अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और घरों में खैरियत से होंगे। मैं जा रही हूँ उम्रे पर और मक्का तक पहुँचने के लिए हमें कौन कौन सा प्रोसेस करना पड़ता है ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें जी, हमारा जो परमिट है वो सुबह का है, इसलिए हम रात को निकले हैं। सुबह हो चुकी है, हम ताइफ पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमने नियत करनी है। जी, हम मिकात पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मिकात पे कितनी ज़्यादा रश है उम्रा करने वालों की। पहले इतनी रश नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा रश है। पार्किंग का भी इशू हो रहा है। अब यहाँ हम जा रहे हैं नियत वगैरह करके, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हमें रास्ते में पुलिस ने बोला था कि यहाँ पार्किंग है, ताइफ से जब हम निकलेंगे आपको यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है और आगे आप या बस या टैक्सी से जाएंगे। तो अभी हम यहाँ आ गए हैं पार्किंग में। आप देखो कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, टैक्सियाँ, लोग सब यहाँ पे खड़ी हैं। अब हम जा रहे हैं, यहाँ से हमें टिकट मिलेगा, टोकन जिसको बोल सकते हैं, जो हमने पास रखना है कि ये पार्किंग हमारी जो है यहाँ पर फ्री है। किस तरीका बस इन्होंने हमें कहा या आप टैक्सी ले लें या फिर आप बस से जाएं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप बस से जाइए, क्योंकि बस का टिकट एक बंदे का 18 रियाल है, जबकि टैक्सी आपको 100 रियाल से कम नहीं लेगी। तो अब हम बस का वेट कर रहे हैं, बस में जाते हैं। बस में हम बैठ गए, उसके बाद हमें एक और बस चेंज करनी है जो हमें वो मक्का तक लेके जाएगी, और वही बस हमें मक्का से वापस लेके आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। नीचे देखिए। Subscribe my channel.